Hi everyone and welcome back to my channel Triple Pick Corner. So guys, in this video I gonna share you facial with Dermaco facial kit. So किस तरह से मैं Dermaco facial kit से अपना facial करती हूँ वो आपको मैं आज दिखाने वाली हूँ. मतलब आपने मेरा पिछला जो purple howl है वो देखा होगा, उसमें मैंने कुछ Dermaco का facial kit लिया था. So उसी से मैं आज facial करने वाली हूँ. अभी दिवाली आने वाली है और पार्लर में जाना इतना भी सेफ नहीं माना जाता है. मतलब अभी कोविड नहीं ख़त्म हुआ है, सो पार्लर में जाना थोड़ा बहुत रिस्की है. सो मैंने सोचा कि घर पर ही क्यों ना मैं फेशियल कर लूँ, और मेरे पास तो Dermaco का फेशियल किट भी था. सो उससे ही मैं आप फेशियल करूँगी, और वो अच्छा वो फेशियल किट है. सो इसीलिए मैं उसी से फेशियल किट ट्राई करूँगी. मैं फर्स्ट टाइम उस Dermaco का फेशियल किट ट्राई कर रही हूँ. उसका रिजल्ट कैसे आएगा वो मैं आपके सामने मतलब आपके सामने लाऊंगी, या फिर आपको मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूँगी. आपके सामने ही मैं ट्राई करने वाली हूँ. सो देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह का उसका रिजल्ट आता है, किस तरह का फेशियल का रिजल्ट आता है घर पे करने का. और गाइस, अगर आपने मेरा पिछला जो पर्पल हाउल है वो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. उस वीडियो को जाकर जरूर विजिट कीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस के ऊपर कोई मेकअप नहीं किया है, ओनली बस कॉम्पैक्ट पाउडर लगाई है और लिप बाम लगाया है. वही मुझे रिमूव करना चाहिए. आपको फेशियल करना है तो आपको आपके मेकअप जो आपके फेस के ऊपर जो मेकअप हो वो आपको ज़रूर रिमूव करना चाहिए. सो मैं पहले अपने फेस के ऊपर का जो मेकअप है वो रिमूव कर लेती हूँ. सो इसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ गार्नियर का मिसलर क्लिनजिंग वाटर और मेरे ऑल टाइम फेवरेट टुलिप्स के ये कॉटन पैड्स. सो इसके साथ मैं अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ. इसके लिए पहले तो मुझे अपने जो बाल है वो पीछे करने होंगे. सो इस तरह से मैंने अपने बालों को पीछे किया है. अब मैं अपना फेस का जो मेकअप है वो रिमूव करने वाली हूँ. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इतना सा मेकअप लगाया था, वो सब कुछ रिमूव हो गया. ये देखो लिप बाम यहाँ पे और यहाँ पे मेकअप, सब कुछ रिमूव हो चुका है. अब मैं कुछ एक अच्छा सा माइल्ड सा ऐसा फेस वॉश या फिर मैं अच्छे से मुँह अपना धो के आती हूँ. तो गाइस, मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ. अभी मुझे क्या करना है, तो मुझे अपने फेशियल स्टार्ट करना है. तो कैसे किस तरह से मैं फेशियल स्टार्ट करती हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ Dermaco का ये फेशियल किट. यहाँ पे लिखा है Dermaco स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट विद एस्कॉर्बिक एसिड. सो गाइस, इसमें लिखा है ये क्लेम करता है गिव ए नेचुरल ग्लो, अल्ट्रा हाइड्रेटिंग, लाइट वेट, ट्रीट अनइवन पिगमेंटेशन. सो हम देखते हैं किस तरह से ये काम करता है, किस तरह का है ये मतलब फेशियल किट. सो आपके सामने मैं इसे करने वाली हूँ, तो देखते हैं गाइस किस तरह का है ये. मैंने इसकी बहुत सारी तारीफ सुनी है गाइस, सो बेटर लग कि अच्छा हो. सो ट्राई करते हैं. इसमें मुझे 5 सैशेज मिले हैं, आपको दिखा देती हूँ मैं. 5 सैशेज हैं मेरे पास जो इसमें मुझे मिले हैं. ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर वाला, ये है 3 नंबर वाला, ये है 4 नंबर वाला और ये है 5 नंबर वाला. सो ये कुछ 5 सैशेज है जिसमें इसमें मुझे जो मिले हैं वो 5 सैशेज है इस तरह के. वो मुझे 5 सेशन यूज़ करके अपना फेशियल करना है. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं फेशियल करने के लिए. तो गाइस, मेरे पास इसमें 5 सेशन है. पहला स्टेप है वो है क्लींजर. आपको क्या करना है कि 3 to 5 मिनट आपको फेस को डैप करना है पहले वाटर से, और फिर आपको इस ये स्टेप जो क्लींजर है उससे आपको फेस अपना क्लींज करना लेना है. उसके बाद जो स्टेप आता है वो है स्क्रब. आपको क्या करना है कि
क्लीन करने के बाद आप जब क्लींजर से पहले स्टेप से जब क्लीन करोगे उसके बाद आपको अपना फेस वाटर से धो लेना है और उसके बाद आपको फेस को आपको स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आपको हल्के हल्का हल्का के हाथों से स्क्रब करना होगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि सीरम लगाना है। तीसरा स्टेप है सीरम, वो आपको लगा के छोड़ देना है सीरम लगा के, जो कि है जो तीसरा स्टेप है। जो भी सीरम आपने लगाया होगा अपने फेस के ऊपर, मतलब जो ये तीसरा स्टेप है वो आपको सीरम अपने फेस के ऊपर लगाने के बाद आपको 2-3 मिनट के बाद आपको ये सीरम भी निकाल देना है अपने फेस के ऊपर से, मतलब आप जो कॉटन पैड है उससे आपको वो पोंछ लेना है। उसके बाद जो स्टेप आता है वो है क्रीम। ये जो क्रीम है वो भी आपको 12-15 मिनट के लिए आपके फेस के ऊपर रख लेनी है और फिर छोड़ देनी है। उसके बाद आपको लगाना है वो है पील ऑफ मास्क, वो भी आपको 20 मिनट आपके फेस के ऊपर लगाना है और फिर से आपको पील करना है। सो ये हो गए 5 स्टेप जो आपको आपके फेशियल किट में मिलते हैं और ये आपको करने होते हैं। सो गाइस अब हम कैसे करते हैं वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, मतलब मैं किस तरह से करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं अपने फेशियल किट को लगाने के लिए। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना इफेक्ट हो चुका है मेरे फेस के ऊपर, मतलब जो मैंने डर्माको का फेशियल किट जो इस्तेमाल किया था वो सभी स्टेप्स मैंने फॉलो किए और उसका इफेक्ट बहुत अच्छा हुआ है। मेरी स्किन और ज़्यादा ब्राइट दिख रही है मुझे। आप अपना मतलब आप यहाँ पे मैं पहला जो मेरा वीडियो है वीडियो बनाने से पहले का जो पिक्चर है वो मैं डाल दूँगी या फिर मैं वो क्लिप डाल दूँगी। उस टाइम का फेस और अभी का फेस आप देख सकते हैं। अभी मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है, कुछ टोनर भी नहीं लगाया है, मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया है। सो ये रियल फेस है मेरा, वो आप देख सकते हैं कि कितना ब्राइट हो गया है और कितना निखर के आ चुका है। सो मुझे ये फेस वॉश मतलब सॉरी फेशियल किट बहुत अच्छा लगा। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये फेशियल किट आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो आप घर पे इस तरह का फेशियल किट इस्तेमाल करके अपना फेशियल कर सकते हो और इतनी सारी ब्राइट निखर के आने वाली स्किन आप देख सकते हो और आप भी महसूस कर सकते हो मेरी तरह। सो गाइज आप भी ये फेशियल किट जरूर ट्राई कीजिएगा। इसकी लिंक जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं कहाँ से परचेज किया है, इसकी लिंक, इसका प्राइस, इसका ऑफर प्राइस सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर मैं उसकी ऑफर प्राइस इसके प्राइस में यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर डाल दूंगी। सो गाइज आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से भी इसे ट्राई करना ज़रूर पसंद करूंगी क्योंकि मुझे बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा है। ये इतना ब्राइट कॉम्प्लेक्शन देता है कि मुझे मतलब मैं तो इसके ऊपर भाग गई यार। सो फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड डू ट्राई दिस फेशियल किट फॉर अमेजिंग रिजल्ट। कीप दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर गर्लफ्रेंड्स, सो मेनी थिंग्स। Subscribe to my channel and I wish you guys very very happy Diwali and see you soon. So bye bye.